मेरे भाई लिंगराज तारफेल से शर्ट पकड़ के ऐसा वीडियो में है ऑलरेडी, शर्ट पकड़ के बात करते बोलो थे। ये बीजेपी वाले हार तू बोल के हर लोग ये नाटक कर रहे। कोटलू डी के पास भी वैसी काम किया, उमेश यादव हटाओ कलबुर्गी बचाओ आंदोलन के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू को क्या अवमान कर रहे थे, वो इशू अब इलेक्शन में क्यों करना है? ऐसे इश्यूज उठाने के बाद लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, इलेक्शन करने के लिए उन्होंने क्या काम कर रहे हैं? उसके लिए उमेश यादव हटाओ कलबुर्गी बचाओ आंदोलन के लिए मादिगा कम्युनिटी आज चलनी दे है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा। आज सुबह मादिगा समाज के तरफ से हमारे समाज के सीनियर लीडर श्याम नाटेकर साहब और परमेश्वर साहब और नागराज गुणगुर्ती साहब और हमारे भाई लिंगराज तारफेल साहब, सब लोग तमाम लोग प्रेस मीट करने के लिए पत्रिका भवन पहुंचे थे। वही टाइम पे भाजपा के कार्यकर्ता अंबाराय चलगेरी हमारे कम्युनिटी के मादिगा कम्युनिटी के लीडर उन्हें आने के बाद उनको हम लोग ने समझाए ये झूठी बात क्या बीजेपी आज तक करते आई। सदाशिव आयोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है बोल के क्या बोलने के बाद एक साल गई सदाशिव आयोग क्या इम्प्लीमेंट हुआ बोल क्या बोले, वो झूठी बात बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम बोले झूठी बात बीजेपी करते आई वो छोड़ दो, ऐसा नको करो। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत माहौल तो चल रही है, एमपी इलेक्शन चल रही है, भाजपा तो बोल रही है संविधान चेंज कर तो बोल के, ऐसी टाइम पे पूरे दलित और माइनॉरिटी लोग पूरे इकट्ठा होना बोल के हम लोग ने उनको बात किए। बात करने के बाद उन्होंने नहीं सुने, सुनने के बाद उनको कितने रिक्वेस्ट कर रहे थे भी उन्होंने हंगामा उन्होंने चालू करे, हम तो हंगामा नहीं करें क्या भी नहीं करें। मेरे भाई लिंगराज तारफेल से शर्ट पकड़ के ऐसा वीडियो में है ऑलरेडी, शर्ट पकड़ के बात करते बोलो थे। ये बीजेपी वाले हार तू बोल के उमेश यादव टीम और उमेश यादव के बीजेपी कार्यकर्ता हर लोग ये नाटक कर रहे हैं। कोटलू डी के पास भी वैसी काम किया, अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्टैचू को क्या अवमान कर रहे थे, वो इशू अब इलेक्शन में क्यों करना है? ऐसे इश्यूज उठाने के बाद लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, इलेक्शन करने के लिए उन्होंने क्या काम कर रहे हैं? उसके लिए हम उमेश यादव क्या ऐसे काम करे उसको उनके बारे में हम बात ही नहीं करना। वैसे टाइम क्या बात की, इतना सब होने के बाद भी उमेश यादव 2 बजे, आज तक हिस्ट्री है गुलबर्गा प्रेस मीट में, 2 बजे के बाद कोई भी शख्स कोई भी एमपी कोई भी इंचार्ज मिनिस्टर आज तक दोबारा प्रेस मीट नहीं किए। प्रेस मीट 2 बजे प्रेस मीट होता है, प्रेस क्लब के अध्यक्ष बाबूराव एड्रोमी ने पेपर वालों को बुलाते हैं, 12 बजे के बाद प्रेस मीट नहीं होती, ये तो आपको मालूम है। इम्पोर्टेंट प्रेस मीट बोल के बुला के एमपी साहब आके हमारे कम्युनिटी में क्या झगड़ा लगाने का क्या काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती बात कर रहे हैं, गलती काम कर रहे हैं। उसके लिए हम ऑलरेडी हमारा लेफ्ट कम्युनिटी का क्या वोट्स है, दलित और माइनॉरिटी सब इकट्ठा होके राधा कृष्णा दोडबनी साहब को हम जिताना बोल के ऑलरेडी पूरा तैयारी हो गया। ये देखने के बाद बीजेपी का कैंडिडेट और बीजेपी का कार्यकर्ता सब लोगों के क्या ऑलरेडी उन्हें हारते बोल के उनको डर रहे, वो डर के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे। उसके लिए हम राधा कृष्णा दोडबनी साहब को हम जिताते हैं, 100% जिताते हैं। इसके बाद भी कांग्रेस के पार्टी सिद्धरामैया सीएम सिद्धरामैया साहब और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार साहब और इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे साहब सब लोग तमाम क्या कैबिनेट मीटिंग में ऑलरेडी सदाशिव आयोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करो बोल के ऑलरेडी सेंट्रल को भेज दिए, वो काम भी नहीं किए उन्होंने। ऐसे झूठे बात करते हमारे लेफ्ट कम्युनिटी के राइट कम्युनिटी के और मुसलमान भाई लोगों को क्या टर्निंग क्या देते हैं, आज तक क्या झूठे बात करते क्या आए वो नहीं चलती, उसके लिए उनको डर है, हारने का डर के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। उसके लिए हम सब लोग मीडिया के तरफ से हम मनवी करते हैं हमारे कम्युनिटी के और गुलबर्गा के और कलबुर्गी के तमाम पूरे वोटर्स को हम विनती करते हैं, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब
कितने डेवलपमेंट करे थे, रेलवे बोर्ड हो, रेलवे सेंट्रल बोर्ड हो, और बहुत सारे क्या डेवलपमेंट्स करे, वो डेवलपमेंट क्या क्या काम कंटिन्यूशन नहीं करे उमेश यादव ने। 24 इंटू वाटर सप्लाई क्या है वो भी काम उमेश यादव ने फेल हो गए। उन्होंने डेवलपमेंट के लिए में क्या भी उनका पात्र नहीं है उसके लिए, राधाकृष्ण दौडमणि साहब जीतने के बाद गुलबर्गा डेवलपमेंट के लिए हर दिन वो डेवलपमेंट करते बोल के उनके लिए हम जिताना है। उसके लिए तमाम वोटर्स के लिए हम विनती करते हैं, ये बार May 7 को वोट कांग्रेस को देना चाहिए, राधाकृष्ण दौडमणि साहब जीतना चाहिए, उमेश यादव हटाओ कलबुर्गी बचाओ आंदोलन के लिए माधिका कम्युनिटी आज चलनी दी है, ये होता है। और राधाकृष्ण साहब 1.5 लाख से नो जीतने के लिए हम लेफ्ट कम्युनिटी के पूरे तमाम लीडर से ऑलरेडी हम तैयार है, उसके लिए हम माध्यम से विनती करते हैं May 7 को सब लोग वोट करना बोल के विनती करते हैं। हाँ जी, सदाशिव आयोग, हाँ जी, वो कह रहे हैं हो गया है, जारी हो गया, आप कह रहे हैं नहीं हुआ, इसके बीच में है क्या सदाशिव आयोग हुआ है? भारतीय जनता पार्टी वाले 30 साल से झूठी बात करते आए हैं। सदाशिव आयोग डेवलपमेंट हो गया, ऑलरेडी जारी हो गया, 1 साल से क्या नींद कर रहे क्या, उसका क्या भी माहौल ही नहीं चालू होगा। इसके बाद भी हमारा माधिक दंडोर का लीडर कल सेडम में बुलाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, बुलाने के बाद उनका एक ही एजेंडा था सदाशिव आयोग जारी होना इम्प्लीमेंट होना बोल के उनका एजेंडा था, वो एजेंडा छोड़ दिए उन्होंने, मंदा कृष्णा साहब वो एजेंडा छोड़ दिया, बीजेपी का एजेंट बन के तेलंगाना में क्या होगा, तेलंगाना में कूड़ा तेलंगाना में भी मोदी साहब आए वहाँ पर भी ऐलान किए, वो करने के बाद में वो फेल होगा। इधर आके झूठे बात बोल के ऑलरेडी बीजेपी का एजेंट बन के क्या काम कर रहे हैं, ये गलती है, उन्होंने ऑलरेडी करते नहीं है। इसके बारे में और एक मैं उदाहरण देता हूँ, आर्टिकल 371 भाजपा का गवर्नमेंट थी, एल के अडवाणी ने आर्टिकल 371 हैदराबाद कर्नाटक रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और धर्म सिंह साहब को हम जिताने के बाद यहाँ पर वैजनाथ पाटिल साहब और अरे तमाम कन्नड़ परा दलित परा और माइनॉरिटी के पूरे संगठन क्या होराट करें, होराट के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और धर्म सिंह साहब यहाँ पर एक आदमी भी जला ले नहीं आया, एक आदमी भी नहीं मरा प्रोटेस्ट में। वैसी माहौल क्रिएट करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सोम तमाम लीडर्स को बोलने के बाद आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंट होगा, हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे, हमारा बच्चे PSA बन रहे, हमारा बच्चे तहसीलदार बन रहे, ये किससे वजह से हो रहा, KKRDP को हजार करोड़ भी नहीं आता था, अभी 5,000 करोड़ आ रहा डेवलपमेंट, ये किससे वजह से आ रहा, गुलबर्गा डेवलपमेंट, हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट, कर्नाटक डेवलपमेंट होता है वो कांग्रेस पार्टी से होता है, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है हर जात लोगों को लेके चलने वाला पार्टी है, उसके लिए आर्टिकल 317 क्या इम्प्लीमेंट होगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और धर्म सिंह साहब से हुआ है। इसके लिए सदाशिव आयोग ऑलरेडी सिद्धरामैया साहब बोले हैं इम्प्लीमेंट के लिए, यहाँ पर पूरे कैबिनेट में ऑलरेडी चर्चा हुआ ऐसा है, ये मूवमेंट चलने रहेगा, ये मूवमेंट आगे इलेक्शन MP इलेक्शन के बाद भी ये मूवमेंट चालू रहता, सदाशिव आयोग जारी होने के लिए केंद्र में ऐसा गवर्नमेंट कौन सा भी गवर्नमेंट हो, भाजपा हो और इंडिया वकूटा हो, कौन सा भी हो तो भी सदाशिव आयोग जारी करना है, वो तो करना ही है, वो मूवमेंट चालू रहेगा। This video presented by Fine Art Designer, exclusive for suits, sherwanis, a complete solution for men's kids for reception, marriage, engagement, ethnic wears, parties, farewell and much more. First branch at Timapuri Chowk, Gulbarga. Second branch at Supermarket Gulbarga.